व्हाट्सअप व्हाट्सअप भाई मैंने बॉयज एंड गर्ल्स कैसे हो तुम लोग मुफाड़ की ऐलान ईपी का एक और नया गाना आ गया और गाने का नाम है जिया लागे ना। देखो जब तक मुझे उस गाने का नाम पता लगा था तब मुझे लग रहा था ये थोड़ा रोमांटिक टाइप ऑफ ट्रैक होगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे जो मैंने स्निपेट्स देखे और जो आप लोगों ने स्टोरीज डाल के मेरे को टैग कर रखा है उससे मुझे समझ आया कि भाई ये कोई भी रोमांटिक शोमांटिक ट्रैक नहीं है, ये भी एक हार्ड कोर टाइप ऑफ ट्रैक है। ओके एक्सपेक्टेड भाई मुफाड़ है, ठीक है जैसा नाम वैसा काम। इससे पहले जो उनका गाना था ईगो फ्रेंडली, ओहो क्या बात है, मतलब बहुत ही डिफरेंट वाइब थी उस गाने की और बहुत सही गया था वो वाला गाना। ये वाले गाने जहाँ तक मुझे इधर उधर से इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ यार, तुम लोग नहीं रहते तभी फॉलो नहीं करते, यहाँ फॉलो करो ठीक है। तो जो मैंने देखा भैया मतलब इसमें भी कुछ कुछ पुरानी बातें उठाई गई हैं और कई लोगों को इसमें लपेटा गया है। देखते हैं साथ में कि इस गाने में उन्होंने ऐसी क्या बात करी है, उस तो भयंकर ही होने वाला है, इतना मुझे समझ आ गया। बट मेन वीडियो स्टार्ट करने पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको जोर का घंटा मारकर लाल सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में जो छोटी सी नोटिफिकेशन वाली घंटी है उसको भी टर्न करा दीजिए, इंस्टाग्राम पे आइए फॉलो करिए, आईडी का नाम है @FAQNO जैसा मैंने पहले बोला था ठीक है। दैट्स इट, तो बिना देरी करे हेडफोन को बोलते हैं कि चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ काम पे लग जाओ बेटा, हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। हाँ सो 3 2 1 here we go far such too much Alan Records presents मेरे पास कला और सच दोनों शक्ति है, ज्ञान देना छोड़ दिया दुनिया ये पछती है, करो माफ बोलो जय गंगा मैया की, कोई बात नहीं चाक जाती कभी कभी भक्ति है, लोग बोल है मांगी क्यों माफी, गंगा तो मैली है पहले से काफी, तुमने तो बोला था मुहावरे की तरह यही लोग आगे मुतेना है शर्म जरा भी। ओके अस्थिया लेके मैंने दादा दादी अपने, अच्छा इसके आगे भी कुछ चल रहा है, लेके मैंने दादा दादी अपने, गंगा में बहाए दफनाई नहीं कफने, मुंह फाड़ने मुंह बंद क्या किया तो सब ये लोग लगे क्या क्या ही बकने, घेरा तो जहां इन्हें सब स्टार्टिंग सारी की सारी लाइनें वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी गंगा जी की लाइन वाली उनको डेडिकेट करा है ठीक है, जो पुरानी बातें थी जिसमें यह था कि आप तुमने ऐसा क्यों बोल दिया कि हम गंगा में करके निकल जाते हैं, तो वो सारी बातों को इन्होंने क्लियर करा कि देखो भाई मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ ठीक है, बस वो एक गाना था जिसको मैंने लाइन में डाल दी गाने में, लेकिन रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ, अपने दादा दादी की अस्थियाँ मैंने जो है गंगा में ही बहाई हैं ठीक है, तो मैंने उनको दफनाया नहीं था, सो आई अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गंगा, डोंट टेल मी दैट। ओके अच्छा ये गाना ऐसे स्टार्ट होने वाला था, क्या इनके सारे गाने ऐसे होते हैं, कुछ नहीं समझ आता कैसे स्टार्ट होंगे। ही कफने मुंह फाड़ने मुंह बंद क्या किया तो सब ये लोग लगे क्या क्या ही बकने, घेरा तो जहां इन सब ने सोचा कलाकार हूं लगूंगा मैं भी दबने, वास्तव में नास्तिक मैं ही तो ऊपर वाला हूं, पैदा मां बाप ने किया था ना कि रब ने, तेरी औकात की झोली में चिल्लर। ओके ये बोलते हैं ना ये जो है एथीस्ट है नास्तिक है मतलब जो भगवान को नहीं मानते, तो बोले कि मैं भगवान को इसलिए मानता ब्रो क्योंकि मेरे को मेरे माँ बाप ने पैदा किया है, मैं उनको मानता हूँ ठीक है, मैं भगवान को क्यों मानूं, मतलब अपना अपना देखो एथिज्म का लॉजिक होता है। मैं भी एक टाइम पे एथिज्म में बहुत ज़्यादा बिलीव कर था मतलब पहले मैं बहुत रिलीजियस था, फिर एथीस हुआ, फिर एग्नोस्टिक हुआ, अब मैं फिर से सर्कल कंप्लीट करते हुए रिलीजन की तरफ आया हूँ, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से एंड व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, लॉजिक में होता है यार, देखो अपनी अपनी बात होती है ठीक है, मैं माँ बाप को मानता हूँ भगवान को नहीं मानता उसकी वजह से मैं ये लोग लगे क्या क्या ही बकने, घेरा तो जहां इन सब ने सोचा कलाकार हूं लगूंगा मैं भी दबने, वास्तव में नास्तिक मैं ही तो ऊपर वाला हूं, पैदा मां बाप ने किया था ना कि रब ने, तेरी औकात की झोली में चिल्लर जम्मा, अनपढ़ है सोच और ये जाहिल जुबा, बेशरम बना तू बेटा धर्म बना, भले गरम तवा फुलके नरम तेरे करम का, मुंह फाड़ चुप गौर बोले मुंह पे धर्म इंसानी। भाई ये लाइनें बना तू बेटा धर्म बना, भले गरम तवा फुलके नरम तेरे करम का, गरम तवा है ना रोटी तंदूर बोटी, मतलब ये क्या टारगेट कर रहे हैं, पढ़ा है सोच और ये जाहिल जुबा, बेशरम बना तू बेटा धर्म बना, भले गरम तवा फुलके नरम तेरे करम का, मुंह फाड़ चुप गौर बोले मुंह पे धर्म इंसानियत कला में वो डूबे, कलाकार बाद में मैं पहले इंसान हूं, साला कोई कुछ भी बोल दे और मैं चुप रहूं क्यों बे, कला में वो डूबे कलाकार बाद में मैं पहले इंसान हूं, देखो मेरा मूड खराब होगा ठीक है तो सब चीजें भाड़ भी जाए मैं चुप नहीं रहूं, साला कोई कुछ भी बोल दे और मैं चुप रहूं क्यों बे। ओ अच्छा सुनो यार, वक्त से ये एहसान है गैरों के साथ रोकना थे उनसे पर रुकाना मैं रुके, तभी रहा मुसाफिर मंजिलों की छोड़ी आसना, तो रास्ता खुद ब खुद ये नीचे आने लगा पैरों के, पड़ता फर्क ना जो सीखा पर रखना, चल के तलवे किस गए जमीन छूता टकना, मुझको रख लो तुम जुबान पे दिल में तो पना गिरा दो काटा। भाई ये इतनी ज्यादा फास्ट गा रहे मेरे को नहीं समझ आ रहा, इतनी फास्ट कौन गाता है यार, इतनी फास्ट ना गाओ, थोड़ा स्लो करो मेरा क्या इसकी स्पीड को क्या 75% पे सुनूं, यूट्यूब वीडियो देखो यार ये बहुत तेज गा रहे निकल रहे भाई, लिरिक्स ही देख रहा हूं गाली में।
ते उनसे पर रुकाना मैं रुके तभी रहा मुसाफिर मंजिलों की छोड़ी आसना तो रास्ता खुद ब खुद ही नीचे आने लगा पैरों के पड़ता फर्क ना जो सीखा पर रखना चल के तलवे किस गए जमीन छूता टकना मुझको रख लो तुम जुबान पे अदल में तो पना गिरा दो काटा हाथ पैर पर मैं भूला ना सरकना मुझे जमीन पे गिरा दो मेरे हाथ पैर काट दो तब भी मैं सरक सरक कर रेंग रेंग कर आगे बढ़ जाऊंगा लेकिन मैं रुकने नहीं वाला। ठीक है वही बोल रहा है यार, मतलब ये आर्टिस्ट ऐसे होते हैं ना जो अपने वर्ड्स के थ्रू एक पिक्चर क्रिएट करते हैं ना, वो बहुत प्यारी लगती है। बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं बट ये काफ़ी सही एक इमेज थी कि तुम तो मुझे जमीन पर गिरा दो हाथ पैर काट दो तब भी मैं धीमे 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 सरक सरक के आगे बढ़ जाऊँ। सबको पहले स्थान पे तू से रुके कंधे चढ़ के मुँहते थे कान पे गिरा दो काटा फर्क ना जो सीखा पर रखना चल के तलवे किस गए जमीन छूता टकना मुझको रख लो तुम जुबान पे अदल में तो पना गिरा दो काटा हाथ पैर पर मैं भूला ना सरकना। आना है सबको पहले स्थान पे तू से रुके कंधे चढ़ के मुँहते थे कान पे आता इनको रास ना जो कोई निकले इनसे बेहतर इनसे ज्यादा जिंदा दिल गड़े हुए जो मुर्दे कब्रिस्तान में बंदा तूफानी नहीं ईगो की कमी नहीं सॉरी बोले कॉल पे पर बात वहां थमी नहीं आके घर है माके लौंडे तारीफ के लस्के पे ना बात चाट मत क्योंकि मेरी सनी ने ब्रूटल भाई ब्रूटल आदमी ब्रूटल आदमी दिस बीट मैं तानसेन कान से जनता जानती दिल से मानती बंदा कांडी सुनती ध्यान से मिले मन की शांति अहिंसावादी जैसे गांधी मुंह फाड़ तूफान जुबान से लाता आधी अरे बेला मैं आगे अहिंसा में बिलीव करता हूं। ठीक है मैं लड़ाई झगड़े में वायलेंस में बिलीव नहीं करता, मैं अपनी जुबान से क्रांति लाता हूं, मैं अपनी जुबान से अपने लफ्जों से अपने शब्दों से लाता हूं। यार ये बीट बहुत प्यारी है, करता भाई की बीट है ना, अमेजिंग बीट। मैं तानसेन कान से जनता जानती दिल से मानती बंदा कांडी सुनती ध्यान से मिले मन की शांति अहिंसावादी जैसे गांधी मुंह फाड़ तूफान जुबान से लाता आधी अले बेला मैं आगे बीट पे सजाता मेला मैं ऐसी चक्का चौंदर रोशनी करूँ अकेला मैं उजाला की सफेदी हूँ मैं रॉबिन के नीली है फौज लेके बीट पे खेलता गुरु चेला मैं रसीला मैं रोशनी करूँ अकेला मैं उजाला की सफेदी हूँ मैं रॉबिन के नीली है फौज लेके बीट पे खेलता गुरु चेला मैं रसीला मैं जिस खून में लगा लूठेला मैं छेक बातें करते जो सच को देता मिला मैं रॉबिन स्ट्रो मारू घुटे इस बीट की फिर बिना अंबरेला खेला दूला गाने उजाला मैं दिला दू इन्हें बिना। यार मैं नहीं सुन रहा यार, मैं नहीं सुन रहा, मैं कैमरे के सामने नहीं सुन सकता यार, इतनी भयंकर भयंकर लाइनें आगे चली जाती है बंदे को समझ ही नहीं आ रहा। मतलब तारीफ में बोल रहा हूँ यार, ऐसा नहीं कि बोल रहा हूँ कि समझ नहीं आता, तारीफ में बोल रहा हूँ। दैट बहुत तगड़ा ये वाले फ्लो को दोनों ने जो है मास्टर कर लिया। बिल के नीली है फौज लेके बीट पे खेलता गुरु चेला मैं रसीला मैं जिस खून में लगा लूठेला मैं छेक बातें करते जो सच को देता मिला मैं रॉबिन स्ट्रो मारू घुटे इस बीट की फिर बिना अंबरेला खेला दूला गाने उठेला मैं दिला दो इन्हें बिना मारे नले पे देला मैं डेढ़ क्षण को ना कभी देता एक ढेला मैं चाहो जो सीखना तो ले लो रैप क्लासेस मात्र कुछ रुपए में होता आठ दिन वेला मैं। अच्छा मुफाड़ा रैप क्लासेस इन्होंने शायद डाला था ना ये कुछ कर रहे हैं कुछ तो, यार देखो एग्जैक्टली याद नहीं है तो मैं बात टच नहीं करूंगा बट जो एक्सपेक्ट थे कितना छोटा भाई 2 मिनट 17 सेकंड का गाना नॉन स्टॉप चॉपर फ्लो चला हुआ था। ठीक है बीच में हुक पार्ट आ रहा था, हुक पार्ट बहुत ज़्यादा प्यारा था, कुछ लिरिक्स भी थे खाली जिया लागे ना खाली वो था और बीट का कमाल था। ब्रूटैलिटी भाई अंदर का गुस्सा अंदर की भड़ास वही निकाल रहे थे मुफाड़ उस गाने में। लेकिन हाँ जैसा कि मैंने सुना था मोस्ट अवेटेड सॉन्ग ऑफ दिस ईपी मेरे हिसाब से हाँ यार ये गाना शायद अभी तक का बेस्ट गया है। नॉट श्योर इसके बाद क्या आने वाला है। भाई इन्होंने 2020 को पकड़ रखा है, ठीक है इन्होंने 2020 को पकड़ रखा है कि मैं यही टॉपिक कवर करूंगा, ज़्यादातर गानों में मैं यही ब्रूटैलिटी लाने वाला हूँ और जो ये हर बार लाते यार मतलब मुझे सडनली पता ये वाला गाना सुन के यार जो बीफ वाला टाइम था वो वाला टाइम याद आ गया क्योंकि बीफ के टाइम में ही इतने ज़्यादा तगड़े गाने आते थे। मतलब डेफिनेटली इसमें डायरेक्टली किसी को कुछ बोला नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया है, ठीक है नाम नहीं लिया, बाकी जो बोला है वो तो बोला ही है। ठीक है तो लेकिन उसी लेवल का मुझे आए थे ना ऐलान भूत बनेगा, अरे यार पता भूत बने से मुझे याद आया भाई सही में यार ये ऐसी लाइनें लिखते हैं ना कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इनके गाने सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ शिट ब्रो मतलब कि पूरे गाने का तो मतलब 20% 30% 40% आवाज आया बाकी तो जूम जूम निकल रहा था। भूत बनेगा मुझे ऐसे लगा था क्योंकि वह ना कुछ 6.5 मिनट का गाना था उसमें जो मचाई थी। ये गाना मेरे हिसाब से बहुत ही हार्डकोर ब्रो मतलब हिप हॉप इंडियन हिप हॉप के लेवल पे अगर गाना बोला जाए तो बहुत ज़्यादा सही गाना था ये। कर्तव्य की बीट मतलब यार बीट तो बहुत ही ज़्यादा सही थी। देखो एक एक आर्टिस्ट है बाहर के सुख नाइट नाम है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, स्यूज नाइट नहीं सुख नाइट की बात कर रहा हूँ ठीक है, वो लंदन के ही हैं मोस्टली प्रोड्यूसर हैं बीट प्रोड्यूसर हैं, वो बेसिकली इंडियन सैम्पल्स लेके उसके ऊपर ट्रैप डब इस टाइप का म्यूज़िक बनाते हैं ठीक है डार्क म्यूज़िक बनाते हैं। ये वाली बीट मुझे काफ़ी कुछ उनकी याद दिलाई, अगर सुख नाइट का कुछ मतलब इस फ्लेवर का गाना सुनना चाह रहे हो लेकिन वो ज़्यादा डब है ना उनमें वोकल्स नहीं होते है ना तो एक गाना उनका पर्वत पर्वत करके सुनना बहुत ही कमाल गाना था।
ठीक है। तो बेसिकली इस बीट ने मुझे काफी कुछ सुख नाइट के म्यूजिक की याद दिला दी, क्योंकि वो भी इसी टाइप का ही म्यूजिक बनाते हैं। पर देखो ओवरऑल गाना बता, और भाई हाँ सही में यार देखो पता है इसका वीडियो मुझे जो इससे पहले आमीन आया था ना, मुझे उससे ज़्यादा सही लगा यार। यही होता है पता है, जब तुम एक बेटर वीडियो एडिटर और वीडियो शूट करने वाले लेते हो, बेटर बेटर मुझे नहीं मतलब, जब जो बंदे काम बढ़िया से करते हैं ना, देखो इसमें ज़्यादा कोई सेट नहीं थे, खाली शायद RGB लाइट्स का कमाल हो रहा था पूरे में और थोड़ी थोड़ी एडिटिंग हो रही थी है ना, बट सही गया जो भी था ओवरऑल, जो इनका पैकेज बना था है ना वीडियो का गाने का, वो सब चीज़ बहुत सही गई थी। इस गाने को अगर मैं रेट करूँ तो मेरे हिसाब से मेरे को वाइब आ रही 4.2 वाली तो आ रही है ब्रो, क्योंकि बहुत ही तगड़ी राइटिंग थी इस गाने में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं तो उसको 4.2 दूंगा। तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से गाना तुमको कैसा लगा, ये आमीन से अच्छा लगा नहीं लगा, ईगो फ्रेंडली से अच्छा लगा? मेरे को पर्सनली ये बाकी के जो दो इससे पहले गाने आए थे उनसे बेटर ये गाना लगा। इसके बाद भी शायद एक और गाना आने वाला है, देखते भाई मेरे हिसाब से उसमें भी कुछ तगड़ा ही होने वाला है, ठीक है। तो ये था मेरा इस गाने का रिव्यू रिएक्शन, जो भी इसको करके तुम समझ लो, ठीक है। बाकी चलो, जो मैंने बकना था मैंने बक दिया, अब चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा काम है, ठीक है। 81 हम आ गए हैं, बड़ी खुशी की बात है, 100 के तो भी कराओगे, फटाफट कराओ। अभी तक पता है 55 से ज़्यादा प्रतिशत जनता वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करती, कैसे लोग हो यार तुम, मतलब कैसे आदमी हो, परोपकार में कोई विश्वास ही नहीं है, है ना। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसका एक जोर से टॉप मार कर लाल सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में जो छोटी सी नोटिफिकेशन वाली घंटी है उसको बीट एंटर करा दीजिए। इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो करिए, आईडी का नाम है @fakeyouknow। पता है यहाँ पे मेरे वीडियोज आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं और चीज़ें शेयर करता हूँ, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, वहाँ पे फॉलो करो फटाफट, नहीं करो मेरे को क्या है यार, मेरी तो जो जनता है वहाँ पे वो मेरे साथ वन ऑन वन कनेक्टेड रहती है। तो इंस्टाग्राम पे आइए फॉलो करो, ठीक है। तो चलो भाई बहनों, इस वीडियो बदल नहीं, मैं अपना अगला वीडियो लेकर जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने कानों को सस्ते संगीत से बचा करके, एंड हर टाइम म्यूजिक सुनाओ, म्यूजिक बजाओ, फॉलो करिए।